तो मेरा स्वभाव जानती हो कि मेरा मन राजा जी के नाम सुन ले हो के राजा राजा जी आप जौन हैं दशरथ हाँ थोड़ी जिम्मेदारी सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी बहुत बढ़िया हैं। टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, क्योंकि आज ना सुबह से कुछ नहीं था, शाम को ही प्लान अचानक से हुआ कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं आप सब बताना। मतलब नवरात्र का महीना चल रहा है, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और हम लोग जा रहे हैं राम लीला देखने के लिए। हम रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई। मम्मी को जबरदस्ती कहा तब मम्मी जाके रेडी हुई, बोले नहीं नहीं जाएंगे रात में, ये सब वो सब, और बहाने मार रही थी कि उतना दूर पैदल, तो आप तो गाड़ी आ गया, आप तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मम्मी हम सिलने जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए, और गाड़ी चलाएगा भाई। ठीक, ड्राइवर रेडी हो गया हमारा। ठीक है सर, कितना पेमेंट लेंगे? 10 रुपया। ठीक है, जा पहले बाइक छोड़ के आ। और मम्मी हमारा कब से नहीं जा रही थी, लेकिन इस साल जाएगी, क्योंकि इस साल बाइक आ गया ना, तो आराम से हमें बैठ के जाएंगे। आराम से नहीं नहीं मम्मी इनके अब कम से कम रोड तक पैदल छोड़ दे, उसके बाद बैठा हुआ चला रोड तक पैदल छोड़ दी। हाँ हल्का सा तो अगर ये पैदल नहीं नहीं तो अंधेरा रही ना। अंधेरा नहीं तो सब बहुत जबरदस्ती करने के बाद मम्मी जा रही है, नहीं तो नहीं जाती। नहीं मम्मी जाएगी सड़क थोड़ा थोड़ा दूर तक पैदल, उसके बाद गाड़ी पे बैठ के जाएगी, उसके बाद भाई छोड़ के आएगा, फिर हम और से नहीं जाएंगे, ऐसे सही रहेगा ना पापा? नहीं क्योंकि पूरे टाइम गए थे, फिर इसे इसलिए अब नहीं जाएंगे, खाली हम मम्मी सिली भाई चार लोग। मुँह धो के रेडी हो जाओ, ठीक है? भाई छोड़ के आ गया मम्मी को। अरे बच्ची यही कहा, यही कहा कर रहा था भाई को, ठंडा लग रहा है भाई बोल रहा है। चलो बता चलिए। ए कुछ ले ला, ताला 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 घर देखा ना हमने जाती है। अरे ठीक है, ओले बाप ले बाप, ओले बाप ले बाप, बाबू जा घर देखा जाती, ठीक है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, घर देख। ठंडी लगा था, आराम से ठंडा लग रहा है। ये है हमारे गांव का रामलीला, बहुत ही फेमस रामलीला हनुमान जी के मंदिर का। यह आपका विचार बहुत ही उत्तम है, यह विचार तो महाराज बहुत ही
ही उत्तम है। सन्नाटा सन्नाटा इस टाइम टाइम हो रहा है 11:20। सिन्नी ने भाई के कान में लगा लिया दुपट्टा, बहुत तेज हवा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा निकाल, अच्छे से दबा लेना अच्छे से।
घर। आपको एक बार बताया, एक बार एक वीडियो के चक्कर में हम और सिन्नी गए थे साइकिल से रामलीला देखने और वीडियो बनाने, क्योंकि ये वीडियो नहीं था और डेली ब्लॉग करते हैं हम, तो एक वीडियो के चक्कर में हम लोग रात में गए थे और रात में घर आए थे 10:30 बजे के लगभग, वो भी साइकिल से। एक वीडियो का कीमत इतना बड़ा हम लोगों ने करा। सुनिए था कितना डर लग रहा था ना रात में, कोई दिख भी नहीं रहा था, कोई दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये बोला था कि नहीं वीडियो बनाना है बनाना बनाना है, और आज बाइक से गए तो कोई दिक्कत था ही नहीं। मम्मी आ रही, मम्मी आई तुरंत कपड़ा चेंज। अच्छा रे मम्मी, सही बताया ना, तो जो हमारे जितने भी हमारे गांव के लोग हैं ना, बहुत बहुत मेहनत करते, एक एक पार्ट के लिए बहुत दिन पहले से तैयारी करते हैं, और आज देखा मैंने एक लोग जा रहे हैं अपना रूल कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। वो भी बताए कितने बजे, कितने बड़े बजे तक चलेगा, रात के 2 बजे तक होती है। हाँ तो क्योंकि सुनी का कल टेस्ट था इसलिए मुझे आना पड़ा, सुनी को सोना भी है ना, रात के 2 बजे तक होता है रामलीला, 2 बजे 1 बजे 3 बजे तक से जैसा रोल हो ना मम्मी, 3 बजे 2 बजे बहुत मेहनत करते हैं, मतलब राम आज के सीन में यही वाला था, फिलहाल कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि सोना भी है, काम भी करना है। तो घुस गई चिदरा के अंदर। अरे इधर बाबू की तरह कर रही हूँ मैं, ननकी बाबू जैसे लग रहा है, 6 महीना की लड़की है। अरे 5 जोड़ू 5 बजे ठीक है, सोचा डैडी डैडी भी उठ गया हमारे, पापा को नींद नहीं आ रहा है, पापा से हम सो जाएंगे, लेकिन आप घर में कोई नहीं टाला, उनको भी लग रहा डर लग रहा होगा। डर लग रहा है, अरे डर ना रही पागल ही का। फिलहाल आज का वीडियो करते खत्म, वीडियो को भेजिएगा लाइक, वुमेन शेयर इस तरह कर दीजिएगा, और ऐसे सुनते रहिए, सुनाते रहिए, हमारे साथ सुनते रहिए जी। हो सकेगा तो लंका दहन के दिन जाएंगे, वो दिखाएंगे और हम भी दिखेंगे। राम राम।